तो आइए हम लोग जो है आज क्या पढ़ने वाले, तो देखिएगा आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सी टॉपिक है, आप लोग गेस करिए, जल्दी से गेस करिए, फिगर देख के गेस कर सकते हैं आप लोग। ये टॉपिक का नाम है मीटर ब्रिज, ठीक है। क्या है ये? मीटर ब्रिज है ये, ठीक है। तो मीटर ब्रिज का यूज क्या करना होता है हम लोग को, मीटर ब्रिज का यूज कहाँ पर आता है, तो एक्सपेरिमेंट करने के यूज में आता है, ठीक है। तो मीटर ब्रिज का यूज कहाँ पड़ा, तो हमें अगर किसी रजिस्टेंस का क्या करना हो, तो वायर का रजिस्टेंस निकालना हो, किसी वायर का अगर रजिस्टेंस निकालना होता है, तो इस मीटर ब्रिज के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अनरोड रजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये जो मीटर ब्रिज है वो वर्क करता है व्हीटस्टोन ब्रिज पर, और व्हीटस्टोन ब्रिज किस पे वर्क करता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज किरचॉफ्स लॉ पे वर्क करता है। मतलब किरचॉफ्स लॉ से पहले हम लोग क्या करते हैं कि रूल से अप्लाई करते हैं बैलेंस कंडीशन में, फिर देखते हैं कि जो साइड का रेजिस्टेंस का रेशियो होता है वो दूसरे साइड के एडजेसेंट साइड के रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है, तो ये हमारा हो जाता है किसका, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। वही व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन का जो वैल्यू होता है, रेशियो जो होता है, वो यहाँ पे एक तरह से ऑपरेटस में सेट किया जाता है, ठीक है। तो कैसा ऑपरेटस में, कैसा फिगर, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा यहाँ से यहाँ तक, अगर आप फिजिक्स लैब में, मैं आपको दिखाया हूँगा मीटर ब्रिज, तो कैसा होगा फिजिक्स लैब में देखेंगे, एक यहाँ पे लकड़ी की, ठीक है, एक लकड़ी की जो है हमारे पास क्या होती है, एक फ्रेम होती है जिस पे क्या हो कि एक मीटर स्केल होता है, ठीक है, ये मीटर स्केल है, लेफ्ट और राइट दोनों से उस पर ऊपर नीचे लिखा होता है, और इसी मीटर स्केल पे क्या होता है, वायर होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, जिस वायर की लेंथ कितनी होती है, तो वायर की लेंथ अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कितना, कि वायर की लेंथ कितनी होगी, वायर की लेंथ कितनी होगी, तो 100 सेंटीमीटर आप बताएंगे कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर, इट मीन्स कितनी होगी, तो 1 मीटर होगी, 1 मीटर, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कनेक्शन कैसे करना है, तो आप लोग ध्यान देखिए, बैटरी यहाँ लगी हुई है, ईएमएफ का मतलब बैटरी है, और यहाँ पे क्या हमारा, तो की लगा, तो देखिएगा यहाँ से बैटरी, ये पॉजिटिव है, ठीक है, नहीं ये पॉजिटिव बैटरी है, तो बैटरी का इधर पॉजिटिव हो गया, और यहाँ से जब कनेक्शन देंगे, देखिएगा यहाँ पे क्या है, एक मेटल स्ट्रिप होती, क्या होती है, मेटल स्ट्रिप होती है, ठीक है, मेटल स्ट्रिप जो क्या होगा, राइट एंगल में हो, राइट एंगल मतलब ऐसे कटा हो और राइट एंगल में कट के लिया हो ऐसे करके, और यहाँ पे भी एक प्लेन होता है जिसको कॉपर की होती है, वो भी ज़्यादातर किसकी होती है, ब्रास की होती है, मेटल स्ट्रिप किस चीज़ की, ब्रास की बनी होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो वायर लगा होता है 1 मीटर का, वो हमारा क्या होता है, नाइक्रोम का होता है, लगभग लगभग ये वायर नाइक्रोम का होता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो स्ट्रिप होती है, मेटल स्ट्रिप जो होती है, और राइट एंगल पे होती है, मतलब राइट एंगल शेप का होता है, वो ब्रास का होता है, यहाँ पर एक स्ट्रिप होती है, ये भी मेटल स्ट्रिप है, और यहाँ पे राइट एंगल है। तो देखिएगा हमारा टर्मिनल कहाँ कहाँ से होता है, तो एक जब बैटरी का यहाँ से क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो एक यहाँ पे ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दो होता है, एक यहाँ भी जोड़ सकते हैं, एक यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, लैब में जाओ आपको दिखाएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर भी होता है, तो चाहे यहाँ ऐड कर लीजिए या यहाँ ऐड कर लीजिए, तो यहाँ से पॉजिटिव दोनों से कहीं ऐड कर लेंगे, निगेटिव वाला यहाँ यहाँ कहीं भी ऐड कर लें। उसके बाद क्या करना, देखिए इस स्ट्रिप में करंट जाएगी, क्योंकि यहाँ इससे जुड़ा करंट ऐसे करके जाएगी। अब क्या करना है, इसमें मान लिया हमें एक वायर जोड़ देना है, या नाइक्रोम का वायर ले लेना, इसमें नाइक्रोम का या अननोन रेजिस्टेंस है, यही मतलब एक वायर काट के लगा देंगे, अननोन रेजिस्टेंस का यहाँ पे क्या है, अननोन रेजिस्टेंस का वायर लगा देंगे, जिसमें हम, और यहाँ क्या एक रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, ठीक है, मतलब अननोन वायर आर है, जिसका हमें रेजिस्टेंस क्या करना, फाइंड करना है, और यहाँ पे यस है जहाँ पे रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस की जगह हम क्या कर सकते हैं, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस भी इसको बोल सकते हैं, तो यहाँ पे यस की वैल्यू हमें मतलब एक तरह से फाइंड है,
और रही बात दूसरा, देखिए दो रेजिस्टेंस तो यहाँ हो गया, तीसरा देखिएगा यहाँ से कनेक्शन, ये देखिए वायर यहाँ से यहाँ तक अगर हम पूरा वायर कितना होगा 1 मीटर का होगा, तो यहाँ पे जहाँ अब पहले जॉकी का कनेक्शन देखें तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे वायर यहाँ से यहाँ पैरेलल ऐड कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे ऐसे ऐड कर लेंगे, उसके बाद जो है इधर दूसरी स्ट्रिप इस राइट एंगल से इस बीच में स्ट्रिप में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स ऐड कर लेंगे और दोनों के बीच में जो है एक गैल्वानोमीटर ऐड करेंगे। तो गैल्वानोमीटर ऐड करेंगे कैसे, गैल्वानोमीटर का इधर ये पार्ट पॉजिटिव वाला होता है और निगेटिव से क्या होता है एक जॉकी होती है, जॉकी क्या होता है शार्प होता और इसी वायर को उससे स्लाइड किया जाता है, ठीक है। तो गैल्वानोमीटर कैसे करेंगे, पॉजिटिव यहाँ होगा और निगेटिव गैल्वानोमीटर कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा, ठीक है। और इधर से आप समझे ही किधर से भी ऐड करिए, पर जैसे मान लें यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ कितना हो, 1 से शुरुआत हुआ है तो अगर उल्टा जोड़ेंगे तो 100 से हो जाएगा, तो 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस में जोड़ सकते कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा एक तरह से पहले वो कैसा करंट काम करेगा, करंट वर्क करेगा, ठीक है। जब उसमें से रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस को निकालेंगे तब उसकी रीडिंग लेना स्टार्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मीटर ब्रिज लेना है, उसमें क्या करना है यहाँ पे एक वायर लगी होती है, स्ट्रिप लगा होता है, उसका सबसे पहला कनेक्शन क्या उसमें वायर लगाएंगे, अननोन रेजिस्टेंस का वायर लगा देंगे, एक रेजिस्टेंस बॉक्स ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे एक लगा देंगे गैल्वानोमीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा गैल्वानोमीटर पॉजिटिव और जॉकी निगेटिव से ऐड कर लेंगे और एक बैटरी यहाँ से कनेक्शन करेंगे, यहाँ पे इधर पॉजिटिव होगा और इधर निगेटिव होगा बैटरी का, ठीक है। और वायर वन और यहाँ पे वायर जो लगाएंगे यहाँ पे जो वायर लगाएंगे उसकी लेंथ हम लोग सबसे पहले मेजर कर लेंगे कितना मीटर का ये, कितना सेंटीमीटर के यहाँ वायर है, ठीक है। तो अब कैसे वर्क करेगा देखिए, तो वर्क ये करेगा जब हम क्या करेंगे बैटरी से करंट देंगे, ठीक है। बैटरी से करंट कितना होगा मान लीजिए, या तो हम लेक्लांच सेल का भी यूज़ सकते हैं, डेनियल सेल का भी यूज कर सकते हैं, मतलब ड्राई सेल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेक्लांच का कर सकते हैं, या बैटरी इल्यूमिनेटर का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जब बैटरी इल्यूमिनेटर से इसमें करंट देंगे उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे, चेक कैसे करेंगे, जॉकी का ये स्लाइडिंग पार्ट जो होता है उसको हम एक बार यहाँ पे प्लेस करेंगे, राइट या लेफ्ट यहाँ पे एक बार चेक करेंगे, यहाँ पे एक बार चेक करेंगे। तो गैल्वानोमीटर में एक बार रिफ्लेक्शन ऐसे होगा मान लीजिए राइट की तरफ और दूसरी बार क्या होगा लेफ्ट की तरफ हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ रखेंगे क्या होगा तो राइट की तरफ होगा और जब इस तरफ रखेंगे तो किधर होगा लेफ्ट की तरफ होगा, मतलब दोनों यहाँ दोनों एंड पे रखने पर रिफ्लेक्शन दोनों अपोजिट होना चाहिए। अगर इधर राइट जा रहा तो इधर वाला लेफ्ट आएगा, अगर इधर वाला लेफ्ट जा रहा तो इधर वाला राइट जाना चाहिए। तब क्या है हम मान लेंगे कि ये जो हमारा ऑपरेटस क्या है जुड़ा हुआ है, जो हम ऑपरेटस को एक एक पार्ट इसमें ऐड करके मीटर ब्रिज बनाए हैं वो सही वर्क कर रहा है, मतलब कनेक्शन आप सही कर दें। सबसे पहले कनेक्शन चेक करेंगे कि आपका कनेक्शन सही है कि नहीं, तो ये इस तरीके से आप चेक कर लें। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले अब हम लोग को करना क्या है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से इस एस से हम क्या करेंगे, तो यस से मान लें हमने 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। कितने का 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लिया, इसका मतलब है एक वैल्यू पता चल गई। अब क्या करेंगे हम लोग मीट, अब क्या करेंगे तो रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाल दिया रेजिस्टेंस, ठीक है। अब क्या करेंगे बीट स्टोन ब्रिज का यूज करेंगे, तो बीट स्टोन ब्रिज में देखिए साइड करे से ये एडजेसेंट साइड है, यहाँ से देखिए पूरी स्ट्रिप में एडजेसेंट साइड है, तो लिखेंगे कितना आर अपान यस इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद इस वायर में समझिए एक ये हो गया एडजेसेंट साइड, दूसरी ये हो गया और बीच में डायगोनल ऐसे समझिए जोड़ दिया गया, ये डायगोनल हो गया, तो ये हो गया आर अपान यस इक्वल टू। यहाँ पे देखिएगा मान लिए वायर का जो रेजिस्टेंस मान ले, वायर पे आर सी एम रेजिस्टेंस मान ले, आर सी एम मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट पर सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर। अगर हम इस वायर की लेंथ को क्या मान लें L1 मान लें और मान लीजिए उसका रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर RCM हो जाएगा, तो अब जो यहाँ से अगर इसको यहाँ पे टच कराए मान लीजिए जॉकी से हमने टच करा लिया D पे और ये शो कर दिया कि गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, अगर डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो मान लीजिएगा आप बैलेंस कंडीशन में, गैल्वानोमीटर क्या हो गया बैलेंस कंडीशन, जब बैलेंस कंडीशन में आता है बाई दी बीट स्टोन ब्रिज तब क्या हो जाता है, इसका मतलब जो साइड का रेशियो होता है और दूसरे साइड के एडजेसेंट साइड के जो
देखिएगा जो साइड का रेशियो होगा किसके साइड का, रेजिस्टेंस साइड में, एडजेसेंट साइड में जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वो दूसरे एडजेसेंट साइड में रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है। इसका मतलब R अपान यस इक्वल टू बैलेंस कंडीशन में यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होगा, L1 सेंटीमीटर में कितना होगा RCM रेजिस्टेंस होगा, दूसरा कितना हो जाएगा तो 100 माइनस L टोटल लंबाई हमको पता था उसका रेजिस्टेंस होगा RCM। तो ये कॉमन हो गया क्योंकि रेजिस्टेंस सेम होता है, RCM कैंसिल हो गया। तो R की जब वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है, इस वाले R की जो अननोन है, तो कितना हो जाएगा S और यहाँ हो जाएगा L1 अपान 100 माइनस L1। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे इसी फार्मूले में बार बार आप वैल्यू करके रखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा कैसे करना है, आया समझ में। तो इस तरीके से अगर आप वैल्यू रखते हैं तो आपको क्या होगा, मीटर ब्रिज से वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से मीटर ब्रिज में हम लोग क्या करता है, मीटर ब्रिज इस तरीके से हमारा वर्क करता है। और इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही क्या कर सकते हैं, हम लोग रीडिंग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखिएगा अब क्या करना है, हमें रीडिंग लेना है। मान लीजिए अगर हम टेबल बनाते हैं, मान लीजिए टेबल में क्या क्या होता है, तो टेबल में देखिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले रजिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का रजिस्टेंस ले लिए, मान लिए 1 सेंटीमीटर का 1 ओम का रजिस्टेंस ले लिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर से यहाँ से क्या करेंगे, एक बार यहाँ चेक करेंगे, एक बार यहाँ चेक करेंगे, और बीच में कहीं आके क्या करेगा, जॉकी का गैल्वानोमीटर में क्या करेगा, डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। जब डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, L की वैल्यू देख लेंगे क्या है हमारा, L1 की वैल्यू हम चेक कर लें, मान लें हमारा कितना हो जाएगा, तो 30 आ गया मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस L1 निकालेंगे, तो 100 माइनस कितना होगा 30, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा ये वैल्यू। अब उसी फार्मूले में अगर हम रखेंगे तो R इक्वल, देखिए R की जगह यहाँ हमने S लिया होगा, तो यहाँ S की वैल्यू 1 ओम है, तो यहाँ पर रखेंगे S और यहाँ हो जाएगा L1 अपान कितना होगा 100 माइनस L1, और R इक्वल टू हो जाएगा S की वैल्यू 1 हो गया, यहाँ कितना है तो 30 अपान कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया 70। उसका 0 0 काट देंगे, R की वैल्यू कितना होगा, डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ गई, देखिए पॉइंट लगा देंगे तो 30 हो जाएगा। इसका मतलब 30 हो गया तो 4 जा जाएगा, फिर 2 आ गया, फिर 2 जा जाएगा। इसका मतलब पॉइंट जो है इतना ओम रेजिस्टेंस, R की वैल्यू जो है कितनी आएगी 0.42, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी है, इस R की वैल्यू जो आ गई है तो 0.42 ओम रेजिस्टेंस आ गया। इस उसके बाद इसी तरीके से हम क्या करेंगे, R को चेंज कर, यहाँ पे S की वैल्यू चेंज करेंगे। अब S मान लीजिए हमने 10 ओम ले लिया, कितना ले लिया 10 ओम लेंगे, तो अगर इसको हम मान लें स्लाइड कराते, मान लें कहीं यहाँ पर आ गया 90 मिल गया, तो अगर हमारा लेंथ की वैल्यू कितना होगा 90 पे मिल जाए, और L2 की वैल्यू तब 10 हो जाएगा। फिर इसी फार्मूले में रखेंगे तो R इक्वल कितना होगा 10, वहाँ पे वैल्यू हमें, और L1 की वैल्यू कितना पा गए आप तो 90 पा गए, और यहाँ से कितना किया आपने डिवाइड, क्या करते हैं तो 10 डिवाइड पा गए। इसके बाद इसको इससे काटेंगे तो देखिएगा आपको 90 मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, देखिए रेजिस्टेंस कितना आ गया 90 आ गया, उससे नहीं मतलब है, वो तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, तो ये कितना अगर 90 आ गया। अब जो वैल्यू आपको मिलेगी फिर बाद में आप करेंगे उसका एवरेज ले लेंगे, और जो यहाँ पे वायर लगा हुआ, यहाँ पे जो वायर लगा होगा उसका आप क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे, क्या निकालेंगे रेडियस, मतलब हम क्या करेंगे रेडियस कैसे, स्क्रू गेज से हम उसका डायमीटर निकाल के उसका आधा कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। और उसके बाद अगर पूछता है क्या है कि रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर निकालना होगा, तो जो रेजिस्टेंस निकालेंगे जितने सेंटीमीटर का आप वायर लिए होंगे उसमें आप क्या कर देंगे, जैसे मान लीजिए हमारा 30 सेंटीमीटर, तो 30 डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर का कितना रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि उस वायर का यूज, जहां जितना हमें रेजिस्टेंस का यूज करना उतना वायर काट के हम रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। तो यही हमारा यूज किया जाता है किस में, तो ये हमारा मीटर ब्रिज का यूज है, और स्पेशली जो है ये प्रैक्टिकल में हमारे को देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो
क्या होता है, जो साइड एडजेसेंट साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो होता है वो दूसरे एडजेसेंट साइड के रेशियो के इक्वल होता है बाय द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ किसने, किरचॉफ लॉ ने दिया। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर इसका मतलब ये दो एडजेसेंट साइड है, दो एडजेसेंट साइड ये है, इस साइड का रेशियो अपन इस साइड के रेशियो से। यहाँ पर रजिस्टेंस इसलिए नहीं आता क्योंकि दिमाग में आएगा कि रजिस्टेंस यहाँ का कहाँ गया, तो यहाँ का रजिस्टेंस पर सेंटीमीटर लेते हैं तो आर सी एम होता है। तो जैसे वैल्यू यहाँ पर रखेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ इसमें लेंथ। और इसी लेंथ पे हम क्या करेंगे, गैल्वानोमीटर को ऐसे ऐसे स्लाइड करेंगे और नल पॉइंट हर बार क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, कितनी वैल्यू नोट कर लेंगे और रख के स्लाइड कराएंगे। और गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो देख के इसी फार्मूले में एल वन और यहाँ पे एल टू मतलब 100 - L1 नोट करके वैल्यू रखते जाएंगे, आपकी रीडिंग आती जाएगी। जब सभी रीडिंग आ जाएगी तो आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस जो निकाले उसका एवरेज निकालेंगे एक्यूरेसी के लिए। और एक्यूरेसी अगर आपको लेनी है तो एक रेजिस्टेंस जो यहां से रिमूव करेंगे निकालेंगे उस पे कम से कम 4 बार रीडिंग ले लेंगे एक ही पे, अलग अलग बार, और लेके फिर उसका एवरेज लेके, तो एक बार करेंगे ऐसे क्या करेंगे, एक पे 4 से 5 बार अगर करते हैं तो आपकी 100% की एक्यूरेसी, लगभग 99% की एक्यूरेसी आ जाएगी, उसमें कोई मिस्टेक। क्यों, क्योंकि आप बैटरी का लगातार यूज करेंगे तो नाइक्रोम वायर बहुत उसमें पतला होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, हीटिंग हो जाती है। हीटिंग होने की वजह से क्या होगा, जो रेजिस्टेंस एक्चुअल होता है वो एक्चुअल ना होकर जरूर चेंज होगा, जरूर चेंज होगा, ठीक है। इसका मतलब उसमें चेंजिंग आ जाती है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल रजिस्टेंस होगा वो नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल रजिस्टेंस मैंने आपको गैल्वानोमीटर से देखे करके दिखाया था। तो गैल्वानोमीटर से देखेंगे आप रजिस्टेंस कितना आ रहा था, तो लगभग 3.2 आ रहा था पतला वायर में, और वही कैलकुलेट किए आपको दिखाए तो लगभग 1.14 मतलब एक से थोड़ा सा ज्यादा था, वो लगभग 3 या 3.5 के करीब था। तो इस तरीके से क्या होगा, उसमें चेंजिंग आ जाएगी, बट कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, जब भी क्या करेंगे जो कैलकुलेशन करके लाएंगे मीटर बेस से, हम वही लिखेंगे, वो अलग बात है। रेजिस्टेंस का वायर क्या हो उससे नहीं मतलब, जो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे वही लिखेंगे, बट अगर उसमें लिखना कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग मेंशन कर सकते हैं। ओके गाइस, आए समझ में। तो